नमस्कार दोस्तों दोस्तों किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोगी बनाए रखने में उसके शरीर के इम्यून सिस्टम का अहम योगदान होता है। और हमारा इम्यून सिस्टम बाहर से आक्रमण करने वाले संक्रामक रोगाणुओं का पता लगाता है और उन्हें बेअसर करने में मदद करता है। जब ऐसा होता है तो इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन और जलन की घटना होती है। शरीर के किसी भी अंग की ही तरह हमारी त्वचा भी इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया देने में शामिल होती है। और जब स्किन में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन और जलन की समस्या होती है तो प्रभावित हिस्से में रैशेज यानी कि चकत्ते हो जाते हैं। इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज़ त्वचा विज्ञान से जुड़ी सबसे कॉमन समस्या है और ये कई अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे कि कभी कभार होने वाले चकत्ते जिसमें कि त्वचा में खुजली होती है और प्रभावित हिस्से पर लालिमा हो जाती है, या फिर त्वचा पर लंबे समय तक रहने वाली स्थिति जैसे कि एक्जिमा, डर्मेटाइटिस और सोरायसिस वगैरह होते हैं। स्किन इन्फ्लेमेशन या त्वचा में जलन की समस्या तुरंत होने वाली बेहद तेज यानी कि एक्यूट हो सकती है या फिर लंबे समय तक रहने वाली यानी कि क्रॉनिक भी हो सकती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन यानी कि त्वचा में अभी तुरंत बहुत तेज जलन महसूस होने की समस्या धूप की अल्ट्रावायोलेट किरणों के संपर्क में आने से, एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों के संपर्क में आने से या फिर किसी केमिकल जैसे कि साबुन या फिर हेयर डाई के संपर्क में आने से भी हो सकती है, जिससे कि स्किन में बहुत तेज उत्तेजना महसूस होने लगती है। और इस तरह की इन्फ्लेमेशन या त्वचा में जलन की समस्या एक या दो हफ्ते के अंदर अपने आप ठीक हो जाती है, जबकि लंबे समय तक जारी रहने वाली इन्फ्लेमेशन की समस्या की वजह से टिश्यूज यानी कि ऊतकों को गंभीर नुकसान हो सकता है। तो बात की जाए कि त्वचा में जलन के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो दोस्तों त्वचा में होने वाले ये जो जलन है या स्किन इन्फ्लामेशन है, इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं। तो त्वचा में होने वाले रैशेज या चकत्ते किस तरह के होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन्फ्लेमेशन किस कारण से हो रहा है। तो चकत्ते समतल और चिकने हो सकते हैं या फिर पपड़ीदार हो सकते हैं और इनमें खुजली हो सकती है, जलन महसूस हो सकती है या फिर चुभन महसूस हो सकती है, समतल हो सकते हैं या फिर उभरे हुए हो सकते हैं, त्वचा में लालिमा नज़र आ सकती है, प्रभावित हिस्सा गर्म महसूस हो सकता है, प्रभावित हिस्से पर छाले या फफोले नज़र आ सकते हैं, त्वचा का प्रभावित हिस्सा अगर ज़्यादा फटा हुआ हो तो उससे खून भी आ सकता है और प्रभावित हिस्से की त्वचा मोटी और सख्त भी महसूस हो सकती है। तो बात की जाए कि त्वचा में जलन होने के क्या कारण होते हैं, तो दोस्तों में त्वचा में होने वाली जलन या स्किन इन्फ्लेमेशन के कुछ संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे कि इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी। तो कई बार शरीर का इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता है और वे स्वस्थ टिश्यूज़ के प्रति भी इम्यून प्रतिक्रिया देने लगता है, जैसा कि त्वचा की बीमारी सोरायसिस में होता है। और इसके अलावा जिन लोगों को सीलिएक बीमारी होती है, जब वे ग्लूटेन वाली चीज़ें खाते हैं तो उन्हें भी स्किन से जुड़ी एक समस्या हो सकती है, जिसे कि हम डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस कहते हैं। दूसरा कारण होता है एलर्जिक रिएक्शन। तो जब इम्यून सिस्टम किसी चीज़ को बाहरी मानकर ओवर रिएक्ट करता है तो इस कारण जो प्रतिक्रिया होती है उसे एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। और इस कारण कुछ लोगों में त्वचा में सूजन और जलन देखने को मिल सकती है। बहुत से लोगों में कोई दवा खाने से या फिर कोई खास पदार्थ खाने से भी इस तरह का एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तीसरा कारण है बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन। तो कुछ बीमारियां या इन्फेक्शन जिनकी वजह से त्वचा में जलन की समस्या हो सकती है उनमें है इम्पेटिगो, सेलुलाइटिस, रिंगवर्म और स्किन के तेल में मौजूद ईस्ट की वजह से होने वाला इन्फेक्शन। चौथा कारण होता है फोटोसेंसिटिविटी। तो जब ये सूरज की रोशनी के प्रति शरीर का इम्यून रिएक्शन होता है और सिस्टमिक ल्यूपस बीमारी की वजह से भी कई बार आपकी त्वचा सूरज की रोशनी के प्रति कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील हो जाती है। और बात की जाए बहुत ज़्यादा गर्मी की, तो जब तापमान बहुत अधिक हो और आपको गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही हो तब भी त्वचा में जलन महसूस हो सकती है और इसे हीट रैश कहते हैं। और ऐसा आमतौर पर तब होता है जब पसीना स्किन के रोम छिद्र से बाहर नहीं आ पाता और जिस कारण से खुजली और चकत्ते हो जाते हैं। दोस्तों बात की जाए कि त्वचा में होने वाली इस जलन का इलाज क्या है, तो दोस्तों त्वचा में जलन या स्किन इन्फ्लेमेशन की समस्या का इलाज मुख्य तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर इसके होने का कारण क्या होता है। और इसमें स्किन पर लगाने के लिए टॉपिकल क्रीम या ऑइंटमेंट दिया जा सकता है, खाने के लिए दवा दी जा सकती है या फिर कुछ घरेलू नुस्खों को भी अपनाया जा सकता है। बात की जाए लगाने वाली दवाओं की, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम को सीधे स्किन के प्रभावित हिस्से पर लगाया जा सकता है, जिससे कि त्वचा में जलन को कम करने में मदद मिलती है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर सीधे इम्यून सिस्टम पर काम करते हैं, जिससे कि त्वचा में जलन की समस्या को कम करने में मदद मिलती है। अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से त्वचा में जलन हो रही हो तो एंटीबैक्टीरियल या एंटीफंगल क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुजली और जलन की समस्या से बचने के लिए ओटीसी क्रीम जैसे कि कैलामाइन लोशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
खाने वाली दवाओं की बात करें तो अगर एलर्जी की वजह से त्वचा में जलन हो रही हो तो एंटी हिस्टामाइन दवाएं दी जा सकती है। अगर पित्त या फिर डर्मेटाइटिस की वजह से त्वचा में जलन के साथ ही खुजली और लालिमा भी हो गई हो तो उसके लिए डॉक्टर अलग दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से त्वचा में जलन हो रही हो तो डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। और कई बार इन्फ्लेमेशन या जलन की समस्या ज़्यादा हो रही हो तो डॉक्टर इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बात की जाए घरेलू उपाय की तो त्वचा में जलन की समस्या को दूर करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खों को भी अपनाया जा सकता है। जैसे कि स्किन में जहाँ पर जलन या उत्तेजना हो रही हो वहाँ पर ठंडे पानी की पट्टी लगाएं। रूखी त्वचा की वजह से जलन हो रही हो तो ऑइंटमेंट या क्रीम लगा सकते हैं जिससे कि स्किन को आराम मिले। अगर एक्जिमा की वजह से त्वचा में जलन हो रही हो तो विटामिन डी सप्लीमेंट का सेवन कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल तत्व पाए जाते हैं जो कि त्वचा में जलन की समस्या को दूर करने में मदद कर सकते हैं। और ऐसे कपड़े पहने जिसकी प्रकृति या बनावट स्मूथ हो ताकि स्किन में इरिटेशन की समस्या ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।